मौजूद तमाम लोगों को मेरा सलाम आदाब नमस्कार और मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या मुझे जावेद साहब और अन्नू भाई इनकी तरफ बोलना नहीं आता और मेरे जो वर्ड है जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बड़े बड़े एक्टरों के मुंह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे मुंह से अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा समारोह है ऐसी शख्सियत के लिए है, तो आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये पहली बार मुझे ख्याल आया कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैं उस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसमें नीरज जी ने काम किया, जिसमें जावेद साहब ने काम कर रहे हैं, मोनी साहब हैं, अनु भाई हैं। तो आज मुझे यहाँ आके इस बात का एहसास हुआ कि सच्ची मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं उस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और इस मंच में मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, बड़ा मेरे लिए बड़ा खास मंच इसलिए हो गया है कि बचपन से विश्वास जो है, विश्वास सारंगी मेरे बिल्कुल सिंधी सगे भाई की तरह है। जब हमने ख्वाब में सोचा था बम्बई में जाएंगे तब से, उसके बाद जावेद साहब ये जमील बेटे हैं, जमील शहीदी ये मेरे छोटे भाई हैं, पहली बार हम मंच साझा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जमील जब फिफ्थ में थे तब से मैं इनको जानता हूँ। बोनी साहब हैं जो मेरे बिल्कुल समझ लीजिए फैमिली हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बीवी जो हैं उनको राखी बांधती हैं, और अन्नू भाई बैठे हैं। जब से मैंने मुंबई में कदम रखा है तब से अन्नू भाई ने मुझे बड़े भाई का प्यार दिया है और आज तक दे रहे हैं, तो मुझे मौका मिला है तो मैं सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच से। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे भी नीरज जी से मिलने का, उनसे बात करने का मौका मिला, उनको सुनने का। उनके साथ ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल से 2014 या 2015 में हमने कवि सम्मेलन मुशायरा मुंबई में किया था, उसमें नीरज जी को बुलाया था और बहुत यादगार वो हमारा मुशायरा रहा। खाली आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ जो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छा एक और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये, मैं बोलते बोलते रियलाइज कर रहा हूँ कि नीरज जी ने आर के फिल्म में काम किया था, गाने लिखे थे और मैंने भी आर के फिल्म में लिखा, तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने भी उस बैनर में काम किया जिसमें नीरज जी ने काम किया। हम लोग इंडस्ट्री में इतने गाने गाते हैं, इतने गाने सुनते हैं, नीरज जी की मिसाल दी जाती है कि उन्होंने इंडस्ट्री के म्यूजिक के इतिहास में सबसे बड़ा मुखड़ा लिखा, फिल्म का मुखड़ा है फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखे रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझाऊं ऐसे जैसे के माला में धागा, हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा हमें जन्म हमें कई कई बार, कितना मधुर तेरा मेरा प्यार। हम मुखड़ा कंप्लीट, जितनी देर में गाना लिखते लोग उतने में उन्होंने सिर्फ मुखड़ा लिखा, ये अपने आप में एक इतिहास है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।